हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और देखिए, मैं पी रही हूँ सुबह की फर्स्ट चाय। तो आज देखिए 7:30 बजे ही नहाना धोना हो चुका है, जबकि संडे ऐसा होता है कि आराम से ही चलता है सब कुछ, क्योंकि आराम से ही उठते हैं, नहाना धोना भी सब आराम से ही होता है। लेकिन आज 7:30 बजे तक मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। गाय बूढ़ी है बाहर और अभी गुरुजी भी जा रखे हैं नहाने। तो आज बेड वगैरह भी देखिए मेरा सब सेट हो चुका है, सुबह का सब लग गया है और यहाँ सफाई भी हो चुकी है। तो आज हम लोग जा रहे हैं शादी में देहरादून, और जहाँ मेरे बच्चों का पूरा बचपन बीत चुका है, ज़िंदगी के हम 7-8 साल वहाँ रहे हैं, तो वहाँ हम शादी में जा रहे हैं। तो वहाँ पे उनके साथ, जिनकी यहाँ शादी है, लड़की की शादी है, शादी तो हो चुकी है लेकिन रिसेप्शन है आज, तो इस वजह से आज हम जा रहे हैं। संडे भी है, छुट्टी भी है, तो चलो मिलना जुलना भी हो जाएगा। और तो अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। तो अभी 9:30 बज रहे और वहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30 बज रहे हैं और हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो रिसेप्शन तो रात को है लेकिन हमें अभी अटेंड करनी है शादी, और शाम को ही हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल सबके स्कूल है बच्चों के और बच्चों के पापा के, तो इस वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं। तो सब तैयार हो चुके हैं, बस चलिए चलते हैं। मेरे शूज़ की लेस कहाँ है? तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हम शादी के लिए आ रखे हैं, और अभी अभी जस्ट हम गाड़ी से उतरे ही थे कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को कह दिया था कि थोड़ा सा वीडियो दिखा दो जहाँ पे हम उतरे हैं गाड़ी से। तो यहाँ पे उतर ही रहे थे गाड़ी से और आप लोगों को दिखा रहे हैं, और पुरानी यादें यहाँ आके मतलब ताज़ा हो गई हैं। बहुत सालों बाद आए हम यहाँ, और यहाँ का ये है मार्केट, ये देखिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं हम लोग आपको। तो यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, और हम अभी यहीं पे खड़े थे, थोड़ा देख रहे थे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और यहाँ से आगे ही जाते ही ठीक इसी रास्ते पे हम आगे जाएंगे जहाँ शादी हो रही है, उनके घर में जाएंगे। तो यहाँ आ चुके हैं हम अब जहाँ शादी हो रही थी, और यहाँ आए हुए करीब हमें बहुत टाइम हो गया था, तो पहले वीडियो दिखाया नहीं। तो अभी देखिए ये है वो घर जहाँ हम शादी में आ रखे हैं। तो बाकी लोग अभी यहाँ पे कोई नहीं थे क्योंकि रात को ही रिसेप्शन था, तो अभी हम ही थे मेहमान। और इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ मतलब हम लोग रहते थे। मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ बताया था शुरू में कि मेरे बच्चों का यहाँ बचपन बीता है, तो मैं आप लोगों को उस घर में लेके चलूँगी जहाँ हम लोग मतलब मेरे बच्चों का पूरा बचपन बीता है। तो वहाँ जाएंगे, और देखिए ये है यहाँ की लोकेशन। तो ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई थी मैं आप लोगों को यहाँ पर, एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है क्योंकि बच्चे तो चले गए थे दोनों के दोनों अपने फ्रेंडों से मिलने, क्योंकि इतने साल बाद हम लोग यहाँ आए हैं। और बच्चों की भी बहुत पुरानी मतलब अपनी सबकी यादें अपने दोस्तों के साथ कि इनका स्कूल था यहाँ, उनका बचपन गुजरा है, तो इस वजह से दोनों बच्चे घर से ही बात हो गई थी कि हम आ रहे हैं आज, तो दोनों बच्चे उनसे उनको मिलने के लिए चले गए हैं। बस हम दोनों ही लोग थे यहाँ, और इसके बाद चलते हैं हम आपको वहाँ लेके। तो देखिए हम उस घर में आ चुके हैं अभी जहाँ हम रहे हैं, और यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। छोटी सी क्लिप है, यहाँ पे सिद्धू आ गया था तो थोड़ा मैंने सिद्धू को कहा कि थोड़ा सा दिखा ले, रिसीता तो थी भी नहीं। और यहाँ पे देखिए ये इनके घर के आगे ठीक है इनका आम का बगीचा है पूरा का पूरा जहाँ अभी दिख रहा है, और यहाँ इनकी गाड़ी रहती थी ये देखिए। और जहाँ ये पर्दा टंगा हुआ है ना, वहाँ मैं रहती थी कभी। तो बहुत साल गुजारे हैं हमने इस घर में, और इस वजह से मैं अंदर नहीं गई क्योंकि अभी वहाँ कोई रहता है और किराए में, तो इस वजह से मैं अंदर का आप लोग को दिखा नहीं पाई। और हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, ये पूरा घर इन्हीं का है। तो जब भी हम मतलब यहाँ से इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि इनको इस घर को और यहाँ से मतलब हम भूल ही नहीं सकते हैं, ये सब आंखों में समाया हुआ है अभी तक। और कुछ देर हम यहाँ पे रुके हैं, मिलना जुलना हुआ और दिन का पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे बीता यहाँ पे। तो इसके बाद जाएंगे हम, अभी निकलने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं किसी और के यहाँ। तो ये इनका बाहर से गेट है जहाँ मैं रहती थी।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी शाम के 7:06 हो रहे हैं, मैं शाम के, और आज मंडे है। कल मैंने आप लोगों से बात की थी, कल संडे था, तो मैंने आप लोगों को बताया था हम देहरादून जा रहे हैं शादी में, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है वहाँ की। तो ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाई मैं, क्योंकि कहीं पर जाओ तो फिर उठने बैठने में, बातें करने में टाइम बीत जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा मैं आपको वहाँ का दिखा नहीं पाई। जितना दिखा पाई हूँ उतना, मतलब जितनी वीडियो बनी है वो क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। और जब हम वहाँ शादी में गए थे, तो शादी में क्योंकि दूर की शादी थी, मतलब काफ़ी दूर जाना था हमें देहरादून में, तो इस वजह से हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर वहाँ पे रहे, थोड़ी देर जहाँ मैंने आप लोग को वीडियो दिखाया वहाँ गए, फिर मतलब अपनी पुरानी जान पहचान, क्योंकि ज़िंदगी के हमने 7-8 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मेरे बच्चों का पूरा बचपन वहीं बीता है, और इससे वहाँ इसलिए हमारी वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, बाहर बात करती हूँ मैं। तो बीच में इनकी कॉल आ गई थी, इस वजह से वहाँ पे वीडियो, तो कल शादी का वीडियो दिखाया था ना, तो देखिए इस कमरे में, इस कमरे में रोशनी में, क्योंकि यहाँ बल्ब भी बड़ा है ना, वहाँ थोड़ा सा मतलब वैसा बल्ब है जिसकी रोशनी कम है, इस वजह से उस कमरे में थोड़ा वीडियो भी वैसी आती है। तो बाहर आ गई हूँ मैं, और कल हम वहाँ से शादी से 7:30 बजे घर पहुँचे, इसलिए मैंने आपके साथ कोई वीडियो फिर शेयर नहीं किया है। 7:30 बजे जब हम घर पहुँचे तो काफ़ी थकान से हो गई थी, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, कि जब भी मैं कहीं से सफ़र करके आ रही, मेरे तो सर में जैसे लग रहा है जैसे दिन बटरी, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है अब सफ़र में, तो इस वजह से मतलब कल आके मैं लेट गई थी फिर। और आज सुबह पता क्या हुआ कि कल जैसे संडे था, तो सभी के नहाए धोए के स्कूल के ड्रेस वगैरह डारे भरे हुए थे मशीन में, तो वो आज इतने सारे कपड़े धोए और घर के काम में ही बिजी रही, तो इस वजह से सुबह से भी बात नहीं हुई है। इस समय मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया था, वीडियो भी आज इतनी ही बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।